प्रेयर से क्या है? पॉसिबल है। बोलो अपने पड़ोसी, बोलो बोलो अगर प्रार्थना है तो पॉसिबल है। आमीन। अगर प्रेयर है तो क्या है? पॉसिबल है। तेरा केस पॉसिबल है, तेरे मसले पॉसिबल है। आमीन। पतरस फंस गया, कलीसिया ने क्या की? क्या की? के रोए? के एमपी से बात की? क्या की उसने? प्रार्थना की और दूत भेजा, परमेश्वर ने छुड़ाया। कितने लोग हाथ खड़ा करो जो मेरे लिए प्रेयर करते हैं। वाह, ये खुशखबरी हमारे लिए। आमीन। क्योंकि मैं सोचता हूं सिर्फ आप करवाने के लिए तो नहीं आते प्रेयर, क्योंकि आपको मुझे, आपको मेरी प्रार्थना की जरूरत है और मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। आप तैयार हो बंधनों को टूटता हुआ देखने के लिए? तो प्रार्थना को स्पेशल स्थान दोगे कि नहीं? आप हफ्ते में 6 बार चिकन खा सकते हो, हां 1500 रुपए चिकन पे खर्च सकते हो, लेकिन एक रूम नहीं ले सकते किराए का अपने पड़ोसी का जहां तुम प्रार्थना करने के लिए जा सको, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही कमरा है। ये बहाना है, पर खाने के लिए कोई बहाना नहीं। कपड़ा डालना है बेस्ट, शादी हो जाए तो 4000 का सूट आएगा उस बंदे का भी जिसकी 5000 तनख्वाह है, पर रूम नहीं है एक भी प्रेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा की चीजों के लिए प्रथम स्थान नहीं है लाइफ। हमें सीरियस नहीं लगता क्योंकि हमारी परवरिश ऐसे हुई है कि बस ये दिल में रखो खुदा। तो क्या पतरस और पौलुस जो थे वो क्या ठीक नहीं थे क्या मेंटली, कि वो भी दिल में रख सकते थे? शाम को स्पेशल जा रहे, दोपहर को स्पेशल जा रहे, रात को स्पेशल चल के जा रहे। पहले तो आधा घंटा जाना, आधा घंटा बंदा कहता यार ओ यार घंटा अंजन लगे ना, इतनी कर लो प्रेयर। पर वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्पेशल प्रेयर स्थान है एक, और वैसे ही रिजल्ट है। वैसे ही रिजल्ट थे कि नहीं? लंगड़े चलाए कि नहीं? अंधे देखे कि नहीं? आमीन। आज विश्वासियों के सामने शैतान खड़ा होकर हंसता है, भंगड़े डालता है वो, पर विश्वासी रोता है कि मेरे में दुष्ट आत्मा है। शर्म आनी चाहिए विश्वासी को दुष्ट आत्मा के लिए रोने से। उसको भगाते क्यों नहीं? जूती क्यों नहीं रखते 6 घंटे प्रेयर में? 6 घंटे करो और 600 मारो उसको। कितने दिन खाएगा वो? जाएगा वो? कितने दिन खाएगा? उसको जाना होगा। हालेलुया। स्पेशल स्थान, स्पेशल टाइम, स्पेशल अटेंशन प्रार्थना के लिए। शुरू करो आज से, जिंदगी 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटे से शुरू करो। ये नहीं कल 15 घंटे बैठ जाओ और तुम्हें लूज मोशन लग जाए। ऐसे ही होता है ना कि कभी तो खाना ही नहीं, फिर जिस दिन ब्याह होया उस दिन सारे स्टॉल खत्म करते अपन, 3 दिन फिर उठा ही नहीं, गोलियां खा रहे लूज मोशन। प्रार्थना भी ऐसे ही, धीरे धीरे खाना, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, और ऐसे बढ़ाना। आमीन। और पचाना भी साथ साथ। ये वर्क है आपको अपनी लाइफ के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आगे या पीछे जाने के लिए खुद जिम्मेवार है, हाँ या ना? अपनी डेस्टिनी के लिए खुद जिम्मेवार है, हाँ या ना? आपको अपनी मेहनत करनी है अपनी मंजिल तक जाने के लिए, हाँ या ना? और खुदा ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा जो तू करेगा। लोग सफल होते या नहीं होते, लेकिन तू सफल होगा। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। मैं माफी मांगता हूं प्रार्थना ना करने के लिए, क्योंकि संबंध टूट गया था खुदावंद पाप के कारण। प्रार्थना ना करना कमी नहीं, एक गहरा पाप है।